खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 4 तारीख को अल्टीमेट दिया था अविनाश जाधव ने और उन्होंने ये कहा था कि हम मुमरा आएंगे और मुमरा आने के बाद हनुमान चालीसा का जो है यहाँ पर भजन गाएंगे, जिसके बाद तमाम तरीके के बंदोबस्त रहे। जिस बंदोबस्त को देखते हुए अविनाश जाधव जो है नहीं आए, उन्हें 149 का नोटिस भी दिया गया। लेकिन इसी बीच खास तौर पर मुसलमान के सभी कार्यकर्ता जो है इसमें चुप्पी साधते हुए नजर आए, कोई खुल करके इसका विरोध या कोई बोलने नहीं आया। फिलहाल ये पूरे बातों को लेकर के हमारे साथ नदीम खान मौजूद है, नेशनल सेक्रेटरी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के हैं। बात करेंगे इनसे, तमाम तरीके का विवाद हो रहा है मनसे द्वारा और एक अल्टीमेट एक चेतावनी भी दे दिया जा रहा है कि लाउड स्पीकर बिल्कुल बंद होने चाहिए, अजान भी बंद करो, ये सब बातों को लेकर के क्या सोच विचार आप रख रहे हो? जय जय महाराष्ट्र। पहली बात तो मैं बोलूँगा, जो अजान बंद कराने की बात कर रहे हैं लोग, तो अजान कोई बंद कराने की बात नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ पास हुआ था 2018 में कि सुबह के टाइम मॉर्निंग के टाइम पे आप अजान लाउड स्पीकर से नहीं दे सकते, बराबर है, तो ये हिंदुओं के ऊपर भी लाजिम होता है, मुस्लिम्स के ऊपर भी लाजिम होता है, मंदिरों पे भी और मस्जिदों पे भी। राज ठाकरे ने जो विवाद किया, जो ट्रेंड अभी चला उसका, ये जो विवादी बयान दिए जिससे दंगे हो सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र शासन और महाराष्ट्र की पुलिस, अभी जो अपने थाना डिस्ट्रिक्ट के जो थाना के जो डीसीपी है, उन्होंने बहुत अच्छे से जो हैंडल किया, ये जवाब देने की ज़रूरत नहीं है मुझे किसी को, इसको महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया। दूसरी बात, आपने कहा अविनाश जाधव नहीं आए, तो मुझे खुशी है इस बात की कि 149 का जो नोटिस इशू किया महाराष्ट्र पुलिस ने, उसको उसने माना और उस पर चला। तो एक बात मैं कहूँगा, अविनाश जाधव जी मुमरा आओ, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप मुमरा आओगे, ईद का टाइम है, शीर खुरमा भी खिलाएंगे, गले से भी लगाएंगे और मोहब्बत भी बांटेंगे और आप लोग के साथ स्वयं खड़े रहेंगे। लेकिन आप अगर जिद दिखा के आओगे कि मैं मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाऊंगा और मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो ये आपकी एकदम गलत और बेबुनियाद स्पीच थी, इस पर मैं ज़रा भी सहमत नहीं था। आप लोग अपनी पार्टी का नाम खराब कर रहे हो, उसको उठा रहे नहीं हो। आने वाले बीएमसी इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इशू कर दिया कि 2 महीने में आप इसको रिजल्ट में लाओ, इलेक्शन चालू करो। अब आपकी सीट कितने सीट लाएगी? आप लोग तो हाईलाइट हो गए ये धर्म का मुद्दा निकाल करके। बात यह है, चलो वो तो बीएमसी इलेक्शन की, लेकिन मुमरा में आने की बात जो आपने किया था, आप नहीं आए, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कार्रवाई की, उसके समीप आप रुक गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुमरा आना है, वेलकम है, आप आओ, हम रोकेंगे नहीं। सबसे पहले मुमरा आने से पहले मुमरा स्टेशन पे एक मंदिर और एक मस्जिद आजू बाजू में, सही बोल रहा हूँ मैं, यहाँ अजान होती है तो यहाँ पे हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाता है और ग्रंथ भी पढ़ा जाता है। आप लोग सबसे पहले वहाँ आना और वहां से देखना, फिर आगे बढ़ना ना, कि मुमरा एकता का शहर है कि ये गलत दिशा देता है। अरे मुमरा में कौसा के अंदर हमारे हिंदू भाई है, भाई हो सकता है उसमें एमएनएस वाले भी हो, उन्होंने ऐसी बात नहीं की। आपने ऐसी बात करके है ना, हम लोग का दिल है ना तुम्हारी तरफ से छोटा कर दिया, यानी कि तुम हवाई अविनाश जाधव का है हम नहीं जानते यार, कौन है वो, हम तो जानते ही नहीं उसको, एमएनएस को जानते, राज ठाकरे को जानते, मैं धारावी का पला बड़ा हूँ, बाला साहब ठाकरे, मैं उनको है ना सच बोल रहा हूँ काका ही बोल के बुलाता था, मैं इतना बड़ा था ना जब से उनको देखते हुए आया हूँ। और टाइकलवाड़ी, माहिम, माटुंगा, फिशरमैन, CST टी जंक्शन, ये पूरा एरिया मेरा बचपना गुजरा है। भले ही बाला साहब ठाकरे ने विवादित बयान दिया हो और दिया है, लेकिन मुसलमानों के लिए भी पहले ही बाल साहब ठाकरे ही खड़ा रहता था, लेकिन राज ठाकरे ने जो राजनीति की
ये बेबुनियाद थी, इसका जवाब सरकार ने उसे दे दिया और मुंबई के अंदर कुछ जगहों पे अभी अजान भी बंद हो गई, शायद आप जानते हो। तो मैं लोगों से कहूँगा, आप लोगों ने दंगा ना होने के लिए अजान बंद किया, ठीक है, चलो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की। अगर आप लोगों को अजान रोकना ही है तो पूरी तरीके से रोक दो फजर के टाइम पे, या तो फिर आप अपनी तरीके से पूरा अजान दो। मुमरा के अंदर मस्जिदों ने, पुलिस ने कोऑपरेट किया इनको, किसी को कोई अड़चन नहीं हुई। तो मुंबई के अंदर भी तुम क्यों घबराते हो यार, किसी से घबराने की क्या ज़रूरत है? तुमको 70-75 के रेंज में तुमको अजान का वॉल्यूम रहना चाहिए ना, वो वॉल्यूम करके दो। और सुप्रीम कोर्ट का अगर लॉ है, और वो लॉ है 10 के बाद लाउड स्पीकर नहीं यूज़ कर सकते, तो ठीक है मत यूज़ करो, ना मंदिर करेगी ना मस्जिद करेगी। आप बनारस नहीं गए? मैं बनारस जा चुका हूँ। मैं सुबह 6 बजे सो के उठा फजर की नमाज के लिए, तो मैंने देखा मंदिर की पूजा और मस्जिद की अजान दोनों एक साथ हो रही थी, लेकिन किसी हिंदू को कोई अड़चन नहीं था और किसी मुसलमान को अड़चन नहीं था। ये महाराष्ट्र में क्या है, नई नई बातें आ रही अपने अपनी पार्टी को उभारने के लिए। अरे यार कुछ अच्छी राजनीति करो यार, राज साहब बहुत बड़ा आदमी है तुम, ये छोटी मोटी बात मत लेके आया करो। 2018 में भी लाया था आपने और फिर अभी भी लाया, ये गलत बात है, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपका, लेकिन आप ऐसा मत करो, ठीक है। अविनाश जाधव नहीं आया ना, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ उसकी, उसकी पार्टी की भी, क्योंकि वो कानून की इज्जत किया, तो कानून के आगे हम लोग भी नहीं, हम लोग भी कानून की इज्जत करते, बराबर है। आप कानून तोड़ते तो प्रशासन अपना काम करती और दुनिया इसको देख लेती। कानून तोड़ने जैसे ही उन्होंने जो है बातें सोशल मीडिया पर कही थी कि 4 तारीख वाला तैयार रहा, तो यानी वो क्या बोल करके आना चाह रहे थे? वो क्या था, उनकी धमकी थी और उन्होंने एक धमकी दिया FB के जरिए, न्यूज़ के जरिए, लेकिन उसका जवाब महाराष्ट्र शासन ने दे दिया और मुंबई पुलिस ने, थाना पुलिस ने, मुमरा पुलिस ने करारा जवाब दिया। आपने रेती बंदर से लेकर के ढाईगर तक की पुलिस की बंदोबस्त देखा? मैं मुंबई पुलिस को सलाम करता हूँ और थाना पुलिस को भी सलाम करता हूँ। 78 के अंदर जो राजनीति हुई थी वो दुनिया जानती है, लेकिन अभी जो शिवसेना सरकार के ऊपर जो उंगलियाँ उठ रही है, तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बताऊँ तो मेरी मुंबई की पैदाइश है। शिवसेना ने जितना काम मुंबई में किया है ना, ना BJP ने किया ना कांग्रेस ने किया, बराबर है। गटर साफ से लेकर के फ्लाईओवर तक शिवसेना ने काम किया, और शिवसेना के अंदर पहले तो दिग्गज नेता थे, सलाम चाहिए तो सलाम ले, लात चाहिए तो लात ले, ऐसे दिमागदार थे। आज तो पूरे एजुकेटेड आ गए, आदित्य ठाकरे एजुकेटेड है, माननीय श्री उद्धव ठाकरे वो भी एजुकेटेड है, ऐसी बात नहीं, राज ठाकरे साहब भी ना एजुकेटेड है, लेकिन उनके दिमाग में ना ये दिमाग में कैसा आया ये राजनीति करने का कि मैं गुड़ी पड़वा के टाइम पे अजान के ऊपर स्पीच दूंगा तो मेरी पार्टी क्रेज पे आएगी और लोगों के ऊपर मैं हाईलाइट आऊंगा, तो ये BMC इलेक्शन का स्टंट है। अच्छा, इनकी बातों को कोई सीरियस लेना चाहिए जैसे वो बोल रहे? अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अगर आज महाराष्ट्र शासन उसको सीरियस नहीं ली होती ना, तो मुंबई दंगों का घर बन चुका होता और यहाँ कई लाशें गिर चुकी होती, कई बेगुनाह मारे गए होते, आमिर तो अपने फ्लैट में और अपने अपनी कारों में और उनके बच्चे तो एब्रोड में पढ़ रहे, वो तो यही कहते कि हम स्लम वाले लड़ रहे, स्लम वाले को मरना चाहिए, ये साले कचरा है। और हम भावुक हो जाते हैं हमारे धर्म को लेकर कि हमारे धर्म को कुछ बोला तो हम भावुक हो जाते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जनता से कि आप लोग ऐसे जो बेबुनियाद के भाषण आपके नेता दे देते, थोड़ा अपने दिमाग से सोचो कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक है यार, डेमोक्रेसी फ्रीडम है, ये बोलने का अधिकार है तुमको, तुम खुद बोलो ना, डरते क्यों? हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया है? मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, एक संस्था है मेरी, लेकिन मैं क्यों डरूं? मैं गलत नहीं हूं तो मैं नहीं डरूंगा, ज्यादा से ज्यादा फांसी चढ़ा देंगे मुझे, बराबर है, लेकिन मैं गलत रहूंगा तो चढ़ाएंगे ना। कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस ये मैसेज दूंगा कि मुसलमान भाइयों को और मेरे हिंदू भाइयों को ईद चली गई हमारी, आप लोगों ने कॉपरेट किया, और राज साहब ठाकरे को भी मैं एक मैसेज दूंगा कि साहब तुम्हें मोटा मानसा है, ये तुमचा प्रांत है महाराष्ट्र, तुम्हें इसको जो भी अपन कर सकते, आप जो भी करेंगे, आप अच्छी दिशा दे सकते हो आप, लेकिन भड़काऊ भाषण से नहीं, एक अच्छी सोच से। मैं आपको खुद एक
आइडियल मानता था कि आप बहुत अच्छे हो यार, आपकी मिमिक्री, आप बोलने का अंदाज बहुत एकदम सही था, लेकिन मेरे दिल से निकल गए। तो मेरा एक मैसेज है कि भाई, नेता छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसकी सही बात है ना, तो उसके साथ खड़े हो जाना और अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी बात कि ये देश हमारा है, हम यहाँ के वासी है। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि ये देश को हम छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारी जंग किसी हिंदू भाई से हो ही नहीं सकती, हमारी जंग किसी मजलूम से हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस्लाम अमन सिखाता है, जंग नहीं सिखाता। आपके परिवार पे अगर कोई हाथ डाल दे तो आप क्या छोड़ देते हो? आप उसका बचाव करते हो ना? तो हिंदुस्तान मेरा परिवार है, इसके ऊपर चाहे कोई भी हो, इस देश के लोग गद्दार हो, जिनको हमको कदम कदम पर साबित करना पड़ता है कि हम मुसलमान इस देश के बच्चे हैं, हम देशभक्त हैं। तो ये सुन लो कि अब हम आपको ये साबित नहीं करेंगे कि हम देशभक्त हैं। अगर इस देश के लिए हमको हमारी जान गंवाना भी पड़े ना, तो मैं मेरी औलाद के साथ में जान गंवा दूं। मेरे नबी ने कहा है कि जिस देश में पैदा हुए हो, उस देश की मिट्टी की, उस देश की हिफाजत तुम्हारे जिम्मेदारी है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो मैं तुमको सफाई नहीं दूंगा। महाराष्ट्र शासन से मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि सर, आज से आप ऐसा लॉ लाओ कि जो HM के खिलाफ, हिंदू मुसलमान के खिलाफ बयान देता है, तो उनपे मकोका महाराष्ट्र क्राइम ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के तहत कलम लगाई जाए, उनके ऊपर नॉन वेलेबल ऑफेंस CR उनके ऊपर FIR दर्ज करा जाए, ताकि ये लोग सुधर जाए कि हम इंसान की औलाद है, कीड़े मकोड़ों की औलाद नहीं है। जो तुम्हारे बहकाने पे कुछ लोग तुम भाव भाव करते हैं और उनके साथ पूरा झुंड हो जाता है, हम इंसान की औलाद है। समझ गए? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।